नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपका डायडॉक हेल्थ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर हम आपको सही मेडिकल जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोलोनोस्कोपी नाम की जांच के बारे में। एक जाँच जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पेशेंट को कई बार करवाने की सलाह दे सकते हैं। कोलोनोस्कोपी से आपकी बड़ी आंत, जिसे कोलोन भी कहते हैं, उसकी अंदरूनी लाइनिंग को देखा जाता है। अक्सर यह जांच एक स्क्रीनिंग टेस्ट या आंतों की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कराई जाती है। इस जांच से बड़ी आंत और रेक्टम में होने वाली टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, कोई और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज या फिर बड़ी आंत के पॉलिप्स या कैंसर के बारे में पता लगाया जाता है। बड़ी आंत की टीबी भारत में खून की कमी, बुखार और पेट दर्द का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। बड़ी आंत में होने वाली एबनॉर्मल ग्रोथ, जो बाद में कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकती है, ऐसी ग्रोथ को पॉलिप कहते हैं। यह पॉलिप कोलोनोस्कोपी के दौरान निकाले भी जा सकते हैं। पॉलिप निकाल देने से आप में कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ने के लिए की जाती है। शुरुआती स्टेज में कैंसर डिटेक्ट करने पर उसका इलाज आसानी से और पूरी तरीके से किया जा सकता है। वैसे तो बड़ी आंत के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए और भी बहुत से टेस्ट हैं, पर रिसर्च में पाया गया है कि कोलोनोस्कोपी वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब हम बात करते हैं कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी से कब करानी चाहिए। 45 साल की उम्र के बाद आपको कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। कुछ लोग जिनके परिवार में कोलोन कैंसर की हिस्ट्री है या जिनमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्हें जल्दी ही यह स्क्रीनिंग टेस्ट लेना शुरू कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं किन मेडिकल कंडीशंस में डॉक्टर कोलोनोस्कोपी की जाँच एडवाइस करते हैं। कोलोनोस्कोपी की जांच बड़ी आंत की टीबी, आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग के अलावा कई दूसरे कंडीशंस में भी एडवाइस करी जाती है, जैसे कि स्टूल यानी मल में खून आना, लंबे समय से कब्ज रहना, या फिर अगर आपको लंबे समय से दस्त रहते हैं। इसके अलावा आपकी बाउल हैबिट्स अचानक बदल रही है, जैसे कि अगर आपको पहले कब्ज रहती थी और अब आपको अचानक से दस्त होने लगे हैं, या फिर आप मोशन पास करने के लिए सुबह जल्दी ही उठने लगे हैं, या फिर आपको एनीमिया से कमजोरी महसूस होने लगी है, बहुत दिनों से आपको पेट में या रेक्टम में दर्द उठ रहा है, तो उसकी फॉलोअप में भी कोलोनोस्कोपी एडवाइस करी जाती है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि कोलोनोस्कोपी से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जब आपको कोलोनोस्कोपी की सलाह दी जाती है तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको एक रात पहले से क्लियर लिक्विड्स पर रहना होता है, यानी कि आपको सिर्फ नारियल पानी या फिर एप्पल जूस, नींबू पानी जैसे जो क्लियर लिक्विड्स हैं, ये आपको एक रात पहले लेने हैं। पहले से अगर आपको कोई दवाई चल रही है तो आपको वह दवाई कोलोनोस्कोपी से पहले लेनी है या अवॉइड करनी है, यह चीज आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी है। कोलोनोस्कोपी से पहले आपकी आंतों को बिल्कुल साफ रखा जाता है और इसके लिए आपको ऐसी दवाई दी जाती है जिससे आपको वाटरी डायरिया होता है और अल्टीमेटली आपकी आंत से मल पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। इस दवाई को पीने से और बार बार दस्त जाने से आपको हो सकता है कुछ परेशानी हो, पर फिर भी आपको जो दवाई दी जाती है इसे आपको पूरा पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो कोलोन है, बड़ी आंत है, वो अच्छी तरह से साफ हो सके। अगर आपका कोलोन साफ रहेगा तो डॉक्टर अच्छी तरह से कोलोन यानी बड़ी आंत की जो अंदर की लाइनिंग है या फिर अंदर अगर कोई बीमारी है उसको अच्छे से देख पाएंगे और डायग्नोस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोलोनोस्कोपी की जो जांच है वो कैसे करी जाती है। कोलोनोस्कोपी की जांच से पहले डॉक्टर पेशेंट को सेडेशन एडवाइस कर सकते हैं। सेडेशन से पेशेंट को कोलोनोस्कोपी के दौरान दर्द महसूस नहीं होता है और पेशेंट रिलैक्स रहता है। इसके बाद एक कोलोनोस्कोप जो कि एक लंबी ट्यूब होती है और जिसके सिरे पर लाइट और कैमरा होता है, एनस से आपके रेक्टम और कोलोन में पास करा जाता है।
इस कोलोनोस्कोप के द्वारा आपकी आंत की जो अंदर की लाइनिंग है उसे देखा जाता है। आंत में कोई घाव है, सूजन है, छाला यानी कि अल्सर हो गया है, या कोई गांठ या रुकावट तो नहीं है, यह भी चेक करा जाता है। कोलोनोस्कोपी की जांच के दौरान अगर आपके कोलोन में पॉलिप मिलते हैं तो उसे उसी समय हटा दिया जाता है। कोलोनोस्कोपी के दौरान बायोप्सी भी ली जा सकती है, जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा आंत से लिया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप में चेक करा जाता है। कोलोनोस्कोपी के अगले दिन से आप अपनी दिनचर्या में लौट सकते हैं और अपना सब काम आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी दवाएं भी डॉक्टर से परामर्श करके कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपनी नॉर्मल डाइट भी शुरू कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी के बाद अगर आपको पेट में सामान्य से अधिक दर्द है, ब्लोटिंग है और पेट बहुत टाइट हो रहा है, उल्टी है, या फिर आपको बुखार है, या फिर आपके एनस से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कोलोनोस्कोपी के बारे में यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई होगी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप डायडॉक पर ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।